जय श्री कृष्ण। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। नफरत नफरत से नहीं प्रेम से खत्म होती है और यह शाश्वत सत्य है। हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। आप वो हैं जो आप रह चुके हैं, आप वो होंगे जो आप अभी करेंगे। जैसे एक मोमबत्ती आग के बिना नहीं जल सकती, उसी तरह मनुष्य एक आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। सत्य के मार्ग पे चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है, पूरा रास्ता ना तय करना और उसकी शुरुआत ही ना करना। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूरज चंद्रमा और सत्य। अपने उद्धार के लिए स्वयं कार्य करें, दूसरों पर निर्भर नहीं रहें। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। शक की आदत से भयानक कुछ भी नहीं, शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। मैं कभी नहीं देखती कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखती हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। किसी जंगली जानवर की तुलना में कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुँचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुँचा सकता है। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। हम जो कुछ भी हैं, वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि कर्म से शुद्ध या ब्राह्मण होता है। अतीत पे ध्यान केंद्रित मत करो, भविष्य का सपना भी मत देखो, अपने मन को वर्तमान पर केंद्रित करो। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियति से पकड़े रहने के समान है, इससे आप ही जलते हैं। जीवन मिलना तो भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये अच्छे कर्मों की बात है। हजारों योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है वही सच्चा विजयी है। हजारों दियों को एक ही दिए से बिना उसके प्रकाश कम किए जलाया जा सकता है। वैसे ही खुशी बांटने से खुशी कम नहीं होती, लेकिन और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।